रोहित शर्मा पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान। इंडियन टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो फिर ओपनिंग के लिए किसी और बल्लेबाज को आजमाने का वक्त आ जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक जड़कर इतिहास रचने वाले आखिरकार भारत क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा को दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बतौर ओपनर टीम में जगह मिल गई है। उन्हें लगातार असफल साबित हो रहे केएल राहुल की जगह भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बनाने वाले रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में उतने सफल नहीं साबित हुए। ऐसे में रोहित के सामने टेस्ट क्रिकेट में नई शुरुआत करने का मौका है। हालांकि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रोहित शर्मा समिति ओवर प्रारूप में बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन हम यह स्वीकार करना होगा कि दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनके लिए करो या मरो की स्थिति होगी। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में गंभीर ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ओपनिंग के लिए किसी और बल्लेबाज को आजमाने का वक्त आ जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा है कि घरेलू सीरीज के लिए मैं रोहित शर्मा को ओपनिंग करते हुए देखना चाहता और बैकअप के तौर पर एक युवा खिलाड़ी को रखता। गंभीर ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं करता कि रोहित को टीम में चुन लिया जाए और उन्हें बेंच पर बिठा रखा जाए। अगर उन्हें टीम में चुना गया है फिर उन्हें ओपनिंग कराई जानी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि खिलाड़ी बेंच पर बैठाए रखने के लिए नहीं है। अगर उनके लिए मध्य क्रम में कोई जगह नहीं है तो फिर उन्हें ओपनर के तौर पर ही रखना चाहिए। गौतम गंभीर ने खुलासा करते हुए कहा है कि आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा एवी डिविलियर्स ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे गंभीर ने कहा है कि रोहित समेत ओवर के प्रारूप के विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक है। बतौर कप्तान रोहित और दक्षिणी अफ्रीका बल्लेबाज एवी डिविलियर्स ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया। रोहित शर्मा ने अपने 6 साल के टेस्ट करियर में महज 27 ही मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 39 की औसत से 1585 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम 3 शतक हैं, जिसमें से 2 शतक उन्होंने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज में लगाए थे। गौतम गंभीर के अनुसार ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को मौका नहीं मिले, वे इस बात की शिकायत बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि मुझे लगता है कि जितने मौके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिले हैं उतने किसी अन्य बल्लेबाज को मिले होंगे। उन्होंने कहा है कि बेशक टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन रोहित शर्मा अपनी मानसिकता बदलकर ये काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग शुरुआत में एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे, लेकिन फिर उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग की और काफी सफल हुए। हालांकि उनके बाद में कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका है। टीम इंडिया को दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में 2 अक्टूबर से खेला जाएगा। रोहित शर्मा सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, अपना सुझाव कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।